जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तब चंद्र ग्रहण लगता है। इसका ज्योतिषीय और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से विशेष महत्व है। साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 28 और 29 अक्टूबर की मध्य रात 1:05 से लगेगा और रात 2:24 पर समाप्त होगा। यह भारत में भी देखा जा सकेगा। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। भारत में दिखेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। यह आंशिक चंद्र ग्रहण होगा जो भारत में नजर आएगा। इसके अलावा यह यूरोप, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के अधिकांश हिस्से में दिखाई देगा। सूतक काल का क्या मान होगा अगर इसकी बात की जाए तो चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है। यह ग्रहण भारत में नजर आएगा जिसकी वजह से देश में सूतक काल मान्य होगा। सूतक काल के टाइम की अगर बात की जाए तो भारत में सूतक के नियम भी लागू होंगे। सूतक काल 28 अक्टूबर की शाम 4:05 से शुरू हो जाएगा। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे और पूजा पाठ नहीं होगा। आइए जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान हम क्या क्या करें और क्या क्या करने से बचें। तो सबसे पहले आपको चंद्र ग्रहण के दौरान क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, ग्रहण शुरू होने से पहले खुद को शुद्ध कर लें। ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान आदि कर लेना शुभ माना जाता है। नंबर 2, ग्रहण काल में अपने इष्ट देव या देवी की पूजा अर्चना करना शुभ होता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। नंबर 3, चंद्र ग्रहण में दान करना बेहद शुभ माना जाता है और ग्रहण समाप्त होने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव भी अवश्य करना चाहिए। नंबर 4, ग्रहण खत्म होने के बाद एक बार फिर स्नान करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और आखिरी में नंबर 5, जो कि आपको करना चाहिए कि ग्रहण काल के दौरान खाने पीने की चीज़ों में तुलसी का पत्ता अवश्य डाल देना चाहिए। अब जान लेते हैं कि ग्रहण के दौरान आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान भोजन या पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति के पाचन क्षमता कमजोर हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति के बीमार होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। नंबर 2, कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान कोई भी नया काम या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उस काम में असफलता ही मिलती है। नंबर 3, ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बालों में कंघी करना और दांतों की सफाई करना अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि ग्रहण के समय सोना भी नहीं चाहिए। नंबर 4, कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान चाकू या धारदार चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए बात कर लेते हैं कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसे किस तरीके के विशेष ध्यान को रखना चाहिए। ग्रहण काल में प्रकृति में कई तरह की अशुद्ध और हानिकारक किरणों का प्रभाव रहता है, इसलिए कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल के दौरान नहीं किया जाना चाहिए। सबसे पहली चीज, ग्रहण काल में कैंची, सुई, चाकू या धारदार चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 2, ग्रहण काल में स्नान नहीं करना चाहिए, ग्रहण समाप्ति के बाद ही स्नान करना चाहिए। नंबर 3, ग्रहण को खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। और नंबर 4, ग्रहण काल के दौरान गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। आइए जान लेते हैं कि ग्रहण के बाद हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, स्नान करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के बाद स्नान करना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्नान करने से ग्रहण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। नहाने के पानी में गंगा जल का छिड़काव अवश्य कर लेना चाहिए। नंबर 2, साफ सफाई, स्वच्छ वस्त्र पहन लेना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान करना और फिर साफ और सुथरे वस्त्र पहन लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। नंबर 3, घर में गंगा जल का छिड़काव कर लेना। ग्रहण की समाप्ति के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। घर के मंदिर में भी गंगा जल का छिड़काव कर देना बेहद आवश्यक हो जाता है। और आखिरी में, भगवान का गंगा जल से अभिषेक करना। ग्रहण के बाद देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। गाय को रोटी भी खिलाना चाहिए। ग्रहण खत्म हो जाने के बाद गाय को रोटी जरूर खिलाएं। गाय को रोटी खिलाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय को भोजन कराने से सभी तरह के दोषों से मुक्ति भी मिल जाती है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने परिवार वालों को, दोस्तों को और सभी को शेयर कर दें ताकि उनको भी कुछ समझ में आए और उनकी भी कुछ भलाई हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।